रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं। टी टाइम के साथ तो बहुत ही बंदा एंजॉय करता है इनको। बच्चों के फेवरेट हैं, इनके लंच बॉक्स में रख सकते हैं। उनके स्नैक्स के लिए हम उनको ये हेल्दी शामी कबाब दे सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में नोट डाउन करवा चुकी हूँ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेथड। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जा रहे हैं हम इसके मेथड की तरफ। प्रेशर कुकर ले लेंगे, प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे हम अपना हाफ के जी जो है बीफ। उसके बाद जाएगी ये हमारी 1.5 पाव इसके अंदर जो दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, ये चली जाएगी। इसके बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें, ये चली गई। 1 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई अवॉइड कर रही हूँ। सब कुछ मैंने जरा मोटा मोटा काटा हुआ है, फाइनली चॉप नहीं है, बिकॉज ये इसके अंदर सारा ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है जी, 10 से 12 जो है लहसुन के और हाफ स्लाइस जो है वो है अदरक का। ठीक है, ये सारी चीजें चली गई। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून हमारा जाएगा इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा कर देता है, बहुत मजे का लगता है। ठीक है जी, इसके बाद हमारा जाएगा जनाब इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, मुझे लग गया। ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर चला गया इसके अंदर। सॉल्ट हमारा जाएगा एड टू टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे, ये चला गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी, ऑलमोस्ट 3 ग्लास। 3 ग्लास पानी ऐड करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे कुक होने के लिए, अंटिल जब तक इसका मीट बिल्कुल गल नहीं जाता और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो जाती, ये तब तक होगा कुक। इसको कर रही हूँ मैं बंद, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद दाल गोश्त का जो हमारा मटेरियल हमने कुक होने के लिए रखा था वो बिल्कुल इस तरह से ड्राई फॉर्म में कुक हो गया और ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको जाके जो है वो पीस लेंगे। आपकी मर्जी है, आप इसको लंगरी में पीसना चाहते हैं, आपके पास चॉपर है, किसी भी तरीके से आपने इसको बारीक जो है पीस लेना है। मेरे पास चॉपर है तो मैं इसको ऐड करती हूँ चॉपर के अंदर। चॉपर में अच्छी तरह से इसको हमने डाल के मिक्स किया है, तो देखिए कितना रेशेदार खूबसूरत किस्म का इसका टेक्सचर बना है। आप बिलीव कीजिए कि इतने जूसी और टेस्टी कबाब बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अच्छा जी, कबाब बनाने के लिए आप अपने हैंड्स के पाम को इस तरह से ऑयल के साथ हल्का सा वो कर लेंगे, रब कर लेंगे। उसके बाद आप लेंगे स्पून के साथ इसका मिक्सचर, जितने साइज के आपने कबाब बनाने हैं उतने साइज का आप ले सकते हैं, कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। आप बिलीव कीजिए ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट शामी कबाब बनेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की कंप्लेन होती है कि शामी कबाब जो है हमारे हार्ड हो जाते हैं, फ्लेवरफुल नहीं होते, जूसी नहीं होते। आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, फिर आपकी कंप्लेन। अच्छा जी, प्लेट में कबाब रखने से पहले एक टिप दे रही हूँ, आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा, उससे होगा ये प्लेट के साथ चिपकेंगे नहीं। आप इनको इसी फॉर्म में फ्रीज भी कर सकते हैं, एग वॉश देने के बाद भी फ्रीज कर सकते हैं, और ये मेरे कबाब विदाउट एग वॉश के भी फ्राई होंगे तो टूटेंगे नहीं। ये मैं आपको आपके सामने जो है भी इंशाल्लाह फ्राई करके भी बताऊंगी कि बगैर एग वॉश के भी ये बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। ये मैं इसी तरह से सारे बना के आपको बताती हूँ। एक पैन में हमने ले लिया है ऑयल, 4 से 5 टेबल स्पून, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं यूज करेंगे। इसमें हम देंगे अपने शामी कबाब को इस तरह से एग वॉश और कर देंगे फ्राई। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक अच्छे तरीके से गोल्डन नहीं हो जाते। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।
अपनी दुआओं में हमें याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।